जाति व्यवस्था इसी तरीके से हमारे बीच घुल मिल रही है, वो जाने का नाम नहीं है। तो ये हजारों सालों से चलती आ रही बेड़िया को हमें तोड़ना है, इसीलिए हम क्या कहते हैं हमारे गाने के माध्यम से आपको। हजारों सालों से गुलामी बेड़िया चीख कर कहती है चाहिए जो, हजारों सालों से गुलामी बेड़िया चीख कर कहती है चाहिए जो, बीजेपी वाला है, यानी कि यहाँ के खाकी चड्डी वाला है, जो क्या करता है, जो हमारे ही लोगों को मिला के, हमारे लोगों के दिमाग के साथ खेल के हमारे ही लोगों को मारने का काम करता है। इन खाकी चड्डी वालों को हमें बताना है कि ऐसा नहीं है कि हम आपके षड्यंत्र में, इस भूल भुलैया में फंस जाएंगे। जिस तरीके से आप ये जो हत्याकांड करवा रहे हो, जिस तरीके से आप ये जाति अत्याचार करवा रहे हो, आपकी ये जो साजिश है, ये पूरे भारत देश में पता चल गया है, इनका खुलासा पूरी तरीके से हो चुका है। और इसीलिए आज ये नेशनल वाइड प्रोटेस्ट कॉल किया गया है।
अलग अलग जगह पे दिल्ली में, अलग अलग जगह पे भारत के हर एक कोने में आज हम देख रहे हैं कि आंदोलन खड़े हुए हैं। शाहीन बाग का हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। आज वो शाहीन बाग खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं ये कोरोना भी लाया गया है, ऐसा हमें लगता है। फिर भी ये जिस तरीके से इन लोगों का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, जिस तरीके से ये लोग, ये खाकी चट्टी वाले लोग हैं, इनकी औकात हमें इन्हें दिखानी चाहिए। हम हर बार इनकी औकात इन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं और ये लोग गांव में हमारे लोगों पर हमले करते हैं। कभी गाय के नाम पे हमारे लोगों को मारते हैं, कभी इंस्टीट्यूशनल मर्डर होते हैं, तो कभी कभी हमें अगवा किए जाते हैं। इन लोगों को हमें बताना है कि आप जैसे समझते हो कि हम मुस्लिम, हम दलित आदिवासी, दलित लोग, हम आदिवासी, हम जो विद्यार्थी है, ये सब अलग अलग लड़ रहे हैं, ये लोग, ये उन्हें लगता है, पर इन्हें हमें बताना है कि ये सारी जो जनता है, ये कौम है, ये मुस्लिम जनता, ये आदिवासी जनता, ये विद्यार्थी, ये महिला, ये आदिवासी, ये सब एकजुट हो चुके हैं। और ये जो खाकी चड्डी वाले हैं, इनको जूते मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी आशय का गीत आपके सामने हम पेश करेंगे, पर इससे पहले एक बात जरूर कहेंगे कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर हम गाने में गा रहे हैं कि जूते मारो इन संगियों को, इसका मतलब हम सच में नहीं मार रहे, संविधान मानते हैं इसीलिए नहीं मार रहे। आप जैसे नहीं है, हम संविधान मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को लेकर चलेंगे, बाबा साहब को लेकर चलेंगे और लॉ के हिसाब से आपको आपकी औकात दिखाएंगे। ये संविधान हमारी ढाल है, तुम लड़ो चाकू तलवार से लड़ो, अरेस्ट करो हमें, तुम हॉकी स्टिक से हमें मारो, पर हमारे पास भी हमारा संविधान है, लोकशाही है, हम इसके साथ लड़ते रहेंगे और जीत के दिखाएंगे। इसी आशय का गीत आपके सामने पेश करते हैं। अरे खाकी चड्डी, हाथ में लाठी, सिर पर टोपी काली, मुंह में राम और बगल में छुरी, लेकर फिरे मवाली। ये लोग खुद को देशभक्त कहते हैं। जो लोग खुलेआम लोगों को हॉकी स्टिक से मारते हैं, गोलियां मारते हैं, ये खुद को देशभक्त कहते हैं और इन्हें देशभक्त का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो लोग संविधान के लिए, लोकशाही के लिए लड़ते हैं, उन्हें जेल दिया जाता है, सालों से उनको जेल में सड़वाया जाता है। अरे खाकी चड्डी, हाथ में लाठी, सिर पर टोपी काली, मुंह में राम और बगल में छुरी, लेकर फिरे मवाली। हिंदू राष्ट्र का देखकर नाराज है रुगलने वालों को, अरे मानवता को चले रौंदने, जूते मारो संगियों को, मानवता को चले रौंदने, जूते मारो संगियों को, मानवता को चले रौंदने, जूते मारो संगियों को। ये जो हमारा विरोध है, प्रतिरोध है, ये हम जूतों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इस सरकार को हमें बताना है। और मुझे पता है कि गुस्से में हम साला बोलते हैं, पर हमें इन्हें साला नहीं बोलना है, इनकी औकात संघीय है, इनका नाम संघीय है, तो हमें इन्हें संघी ही कहना है, तो हम इन्हें संघी ही बोलेंगे, हम इन्हें साले नहीं कहेंगे, क्योंकि साला हमारे लिए बहुत प्यारा रिश्ता होता है। अरे मानवता को चले रौंदने, जूते मारो संगियों को, मानवता को चले रौंदने, जूते मारो संगियों को, मानवता को चले रौंदने, जूते मारो संगियों को। अरे हिटलर की औलादों को जूते मारो संगियों को, हिटलर की औलादों को जूते मारो संगियों को। दे दना दन 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 दन, दे दना दन दन, दे दना दन 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 दन, दे दना दन दन, दे दना दन 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 दन, दे दना दन दन। भाषावाद से, प्रांतवाद से आप
खबर न होगी तुझको, खबर न होगी तुझको। इस पिंजरे के सलाखों को, इस पिंजरे की सलाखों का लोहा हमने निकाला है, ये लोहा पिघलाने हमने अपना खून उबाला है। लोहा लोहे को पहचानेगा, फिर क्या होगा समझो,
लेकर पिंजरा उड़ जाएंगे, खबर ना होगी तुझको, खबर ना होगी। भगत सिंह इस बार न लेना, भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी। देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की, देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। भगत सिंह इस बार न लेना, जनता की बात कहोगे तुम गद्दार कहलाओगे, तुम गद्दार कहलाओगे, तुम गद्दार कहलाओगे। तुम संपत्ति छोड़ो भाषण दिए तो पकड़े जाओगे, दिए तो पकड़े जाओगे, दिए तो पकड़े जाओगे। निकला है कानून नया चुटकी बजते बन जाओगे, न्याय अदालत की मत सोचो सीधा मुक्ति पाओगे। सजा मिलेगी फांसी की, देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। भगत सिंह इस बार न लेना, सत्य हिंसा का शासन है राम राज फिर आया है, राम राज फिर आया है, राम राज फिर आया है। भेड़ भेड़िए एक खाट है सब ईश्वर की, सजा मिलेगी फांसी की, देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। भगत सिंह इस बार न लेना, भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी। देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की, देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की, देशभक्त के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। Thank you.
को संभाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। स्थगित है गति और समय कार्यकर्ताओं को सीएनआर सीएनपीआर का विरोध कर रहे इसीलिए अरेस्ट किया गया है, उनकी रिहाई करनी चाहिए सरकार ने, ऐसा डिमांड हम करते हैं। और सिर्फ सीएनआर सीएनपीआर के नहीं, सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करनी चाहिए। इस देश में जो जेल में बंद किए गए कार्यकर्ता है वो कोई और नहीं है, संविधान बचाने वाले, लोकशाही बचाने वाले कार्यकर्ता है जिनसे ये सरकार डरती है और इसीलिए उनको जेल में बंद करती है। तो इन सबके खिलाफ हम सबको एक साथ आके लड़ना है, आवाज बुलंद करनी है। और इतना ही कह के हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।